आज मैं हूँ अंबरनाथ ईस्ट में। लोकेशन का नाम है 3 टायर चौक कांसी सेक्शन अंबरनाथ ईस्ट। काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है अंबरनाथ का कांसी सेक्शन, जो कि स्टेशन से है ना 500 से 600 मीटर डिस्टेंस पे है। आप स्टेशन से आगे जो आपको चौक दिख रहा है वहाँ से लेफ्ट मारोगे, सीधा स्टेशन आता है। 5 से 6 मिनट आप चल के आओगे, सीधा अपनी बिल्डिंग आ जाएगी। बिल्डिंग देख लीजिए, HDFC बैंक अप्रूव है, रेडी हो गई है पूरी। OC अपनी आनी बाकी है, OC आ जाएगी 15 से 20 दिन में। वाइड रोड देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स के सामने बहुत बड़ा रोड है जो कि काफ़ी वाइड है। ये अपने बिल्डिंग की कुछ लॉबी है एंट्रेंस, जो कि पार्किंग के लिए स्पेस देख सकते हो, काफ़ी बड़ा स्पेस है पार्किंग के लिए। आपको फ़ैन लाइट्स सारे लॉबीज़ में मिल जाएंगे, पार्किंग में मिल जाएंगे। और ये रही अपनी एंट्रेंस लॉबी, एंट्रेंस लॉबी देख लीजिए। सिंगल बिल्डिंग है बट काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस इन्होंने बनाया हुआ है बिल्डर ने, जो कि आपको स्टेयरकेस मिल जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगी विथ पावर बैकअप के साथ। तो लेके चलता हूँ आपको अपने 2BHK फ्लैट के तरफ। मैं हूँ अभी 7th फ्लोर पे। एक फ्लोर पे बेसिकली आपको 5 फ्लैट देखने के लिए मिल जाएंगे, लिफ्ट है अपनी, लिफ्ट को पावर बैकअप भी मिल जाएगा। और ये अपना फ्लैट 2BHK, कितना बड़ा फ्लैट है देख लीजिए। 711 स्क्वायर फीट इसका कारपेट एरिया है। लिविंग रूम में ही आपको एक बहुत बड़ा डाइनिंग के लिए एक स्पेस मिल जाता है लिविंग रूम में। लिविंग रूम में एक बालकनी भी मिल जाती है, जो कि 2 से 3 फीट की बालकनी है। और आप व्यू देख लीजिए, यहाँ से सिर्फ वॉकिंग 5 से 6 मिनट पे आपको स्टेशन आ जाएगा, काफ़ी नज़दीक है स्टेशन से। यहाँ से पूरा उल्लासनगर का आपको व्यू दिखेगा, यहाँ से जो कि GNP गैलेक्सी काफ़ी फेवरेट मॉल जैसा ये है। वहाँ पे PVR, MACD वगैरह सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे एक 5 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको सारे मिल जाएंगे। लिविंग रूम देख लीजिए कितना बड़ा है आपका, ये डाइनिंग स्पेस आपका लिविंग रूम में। देन आपका किचन, किचन देख लीजिए, एल शेप में किचन है। यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए एक स्पेस दिया गया है। किचन एल शेप में प्लेटफॉर्म है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट के लिए जगह दी गई है। ऊपर आपको किचन में लॉफ्ट के लिए भी मिल जाएगा स्टोरेज। किचन के बाद है अपना कॉमन टॉयलेट वॉशरूम, जो कि बेसिन देख लीजिए, प्रीमियम आपको हर एक फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी बिल्डर की तरफ से। इनका काफ़ी नाम है इस लोकेशन में, 5 से 6 प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं, उसमें से ये रेडी प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे फिटिंग्स आपको इसमें जगवार के मिल जाएंगे। ये आपका कॉमन बेडरूम हो गया, इसका भी साइज़ काफ़ी डिसेंट साइज़ है, जिसमें आपको एक गैलरी मिल जाती है, 4 फुट की ये गैलरी है। यहाँ से भी आपको इंटरनल सारा व्यू मिल जाएगा। सामने ये जो चौक दिख रहा है, यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, अगर आपको वॉकिंग नहीं जाना है तो आप रिक्शा से भी जा सकते हो। 10 to 12 rupees यहाँ पे शेयरिंग ऑटो आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ये आपकी गैलरी, ये आपका कॉमन बेडरूम हो गया। यह है अपना मास्टर बेडरूम, एंट्री में ही आपको वेस्टर्न टॉयलेट बाथरूम का मिल जाता है, जो कि ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ मिलेगा आपको। यह आपका बेडरूम हो गया, बेडरूम की साइज़ भी देख लीजिए, काफ़ी डिसेंट साइज़ है। 2 विंडो दी गई है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से धूप, रोशनी और हवा, एयर जो कि प्रॉपर घर में आ जाएगी, जो कि आपको 360 व्यू मिलता है। यहाँ पे भी एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे ग्रिल आ जाएगी, तो ये स्पेस भी आपको यूटिलाइज करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से भी स्पेस मिलता है काफ़ी। ये तो खैर कोई यूज़ नहीं करेगा, बट करना चाहते हो तो कर सकते हो। व्यू देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, क्योंकि स्टेशन के नज़दीक वाला एरिया है तो ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। न्यू बिल्डिंग्स यहाँ पे बनती नहीं है, और बनती है तो उसमें रेट भी यही होता है, क्योंकि स्टेशन के काफ़ी पास है। तो यही था अपना 2BHK फ्लैट, 711 स्क्वायर फीट एरिया। इसका जो प्राइस है वो बिल्डर का आस्किंग प्राइस जो है 60 लाख है, इसमें नेगोशिएट भी हो जाएगा। अगर आप छोटे फ्लैट चाहते हो, आपका बजट कम है, तो यहाँ पे 52 लाख से फ्लैट की शुरुआत हो रही है, जो कि 2BHK की मैं बता रहा हूँ। 1BHK तो ऑलमोस्ट 2-4 ही बाकी है, जो कि आपको 40 लाख से शुरुआत होते हैं 1BHK की। तो आइए विजिट कीजिए अंबरनाथ स्टेशन के पास, 600 से 700 मीटर डिस्टेंस है प्रोजेक्ट का अपने स्टेशन से। कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर आपका नंबर आ रहा होगा। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।